ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વડામથક વેરાવળ ખાતે પ્રાંત અધિકારી દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામ કરાયેલા એવા અડચણરૂપ હનુમાન મંદિર અને દરગાહનું ડિમોલિશન પ્રતિ વખતે લોકટોળા સાથે વહીવટીતંત્રના કર્મચારીઓનું ઘર્ષણ ઉભું થતા ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. વેરાવળ પ્રાંત અધિકારી દ્વારા કેકે મોરી સ્કૂલ પાસેના વર્ષો જૂના હનુમાન મંદિર તથા ચોપાટી પાસેની દરગાહનું ડિમોલિશન કરી તોડી પાડવામાં આવી હતી. જોકે વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ કામગીરી વખતે કોઈ ઘર્ષણ ઉભું નહીં થાય તે માટે મધ્યરાત્રિ દરમિયાન ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જોકે વહેલી સવારે લોકોએ જાગીને મંદિર તેમજ દરગાહનું ડિમોલિશન કરાયું હોવાનું જાણતા જ ભારે હોબાળો મચાવી વહીવટીતંત્રની કામગીરીનો વિરોધ કર્યો હતો. और उसके बाद में जैसे चौपाटी पे है वो वहाँ पे कोस्ट गार्ड का ऑफिस भी बिल्कुल सामने है और वहाँ पे चौपाटी काम रुकवा दिया गया और कोस्ट गार्ड के जस्ट गेट के सामने है ना फिर काफी भीड़ इकट्ठा होती है जो कि कोस्ट गार्ड वाले कंट्रोल में नहीं रहता है. कभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर कोई बनाव बनता है तो वो सोमनाथ एक अपने आप में एक बड़ी सेंसिटिव और सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसी जगह है तो उसमें तंत्र की तरफ से कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता कि फ्यूचर में कोई ऐसी घटना हो जाए. उसके लिए ऑलरेडी हमने कम से कम 5-6 मीटिंग्स किया था. दो बार मैं खुद उस जगह पर जाके आया था. हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल था उसमें जो भी कंसेशन हो सकता था कि ठीक है आप इतना कर लीजिए जितना भी बेसिक एरिया है वो रख लीजिए उसका उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दिया था कि यह हो जाएगा. समाज के आगेवानों ने हमें बोला गया था लेकिन इसमें आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था. हमें मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़े. और सिमिलरली जो दूसरा है वो रोड के ऊपर था. कोई भी अकस्मात किसी के दिन हो सकता है. आज तक कोई अकस्मात नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में नहीं होगा. अगर भविष्य में अकस्मात होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा आएगा कि ये आपने आज तक क्यों नहीं रिमूव किया इस चीज़ को. तो जो एक बेसिक मिनिमम इस शहर में है वो हमने एक करने का प्रयास किया है. और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका कि हाई कोर्ट से रेगुलर अभी फॉलोअप हो रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई दबाव चाहे रस्ते पे है चाहे रोड के किनारे पे है या किसी भी तरह की पब्लिक प्लेस के ऊपर में है धार्मिक दबाव उसको निकालना है. इसका रेगुलरली रिपोर्ट होता है हमारे यहाँ से. सोशल मीडिया का जमाना है. सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी अफवाहें फैलती हैं लोग खोटी खोटी बातें करते हैं. उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और एक फैक्ट्स जो है हमारे ऊपर जो ऑन रिकॉर्ड है और जो एक इम्पार्शल हमारा एक स्टैंड है इसके ऊपर में वो हम भी क्लैरिफाई करें. पब्लिक के माइंड में भी ऐसा न रहे कि प्रशासन ने कुछ छुपाया है या कुछ इस तरह से किया है. तो हम बिल्कुल ओपन हैं. तो इसमें मैंने इनफैक्ट ट्विटर पर भी मैंने ट्वीट किया है कि कोई भी आम सामान्य नागरिक मीटिंग में आ सकता है. हर एक को इनवाइटेड है ताकि हर एक को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है किस तरह से हुआ है. ऑलरेडी हमें थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अमुक तत्व जो कि माइनॉरिटी में है एक आध ऐसा कोई होगा शहर में जो कि इस चीज़ को एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे हैं या फिर सिचुएशन को बिगाड़ने का में भी प्रयास कर सकते हैं. स्कूलों में रजा एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिस्क्रिशन है. अगर उन्हें लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि जहाँ पे मे बी रिक्वायर्ड हो उसका पास्ट हिस्ट्री देख के या फिर एरिया की सेंसिटिविटी देख के तो इट कैन बी डन. मतलब वो कर सकते हैं ऐसा. आज सोमनाथ दादा नो प्रथम ज्योतिर्लिंग आयेलू छे अने आ विस्तार में त्यारे सवारे मने वेली जाण करवामां आवी ने के आया मंदिर अने दरगाह बंने पाड़ी नाखवामां आव्युं छे अने सोमनाथ दादा प्रथम ज्योतिर्लिंग બધા આવેલા છે ત્યારે આ વિસ્તારમાં ધાર્મિક લોકો બહુ બધા આવતા હોય છે બારગામથી ત્યારે આ બે જગ્યાને દરગાહ અને મંદિર પાડી નાખવામાં આવ્યું ત્યારે મને ખ્યાલ પડ્યો અને મંદિરે અને દરગાહે મેં રૂબરૂ મુલાકાત લીધેલી અને લોકોને પૂછેલું કે આ શું કેવી રીતે થયું ત્યારે લોકોએ મને બતાવ્યું જાણ કરી કે રાત્રે 3 વાગે અંદાજિત 3 વાગે રાત્રે લાઇટ બંધ કરી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર નીતિન
નીતિન સાંગવાન, ડેપ્યુટી કલેક્ટર નીતિન સાંગવાન અને વેરાવળ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અને તેની ટીમ દ્વારા આ ડેમોલેશન મંદિર અને દરગાહનું કરવામાં આવ્યું રાતે 3 વાગે. અને લોકો પાસે મેં પૂછ્યું બીજું શું શું થયું છે, એટલે કે આ બધું ડેમોલેશન કરી અને એ લોકોએ દરિયામાં અને નદીમાં મૂર્તિ પધરાવી દીધી છે. હાલમાં મંદિરની મૂર્તિ દેવતા નદીમાંથી મળી છે. ત્યારે આવું ખરાબ કૃત્ય કરનારા અને ધાર્મિક લોકોને ધાર્મિકને આસ્થામાં આસ્થા સાથે છેડા કરનારા આ અધિકારીઓ સામે હું ઉચ્ચ કક્ષાએ સીએમ સાહેબને રજૂઆત કરેલ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરીશ કે તેમની ઉપર કાયદેસર પગલાં ભરવામાં આવે.